राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगभग एक महीने पूरा होने जा रहा है। मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार शामिल होने वाली हैं। इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट फिर बदला गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यात्रा को लेकर बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल होते हुए बुलंदशहर, अलीगढ़ होकर भी गुजरेंगे। हालांकि इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इससे पहले कांग्रेस ने यूपी में यात्रा का रूट बदलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बजाय लखनऊ के बाद कानपुर, जालौन, झांसी के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश की तैयारी की थी, लेकिन अब यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का रूट फिर बदल गया है। अब राहुल की यात्रा कानपुर आकर रुक जाएगी और फिर दो दिनों के ब्रेक के बाद मुरादाबाद से शुरू होगी। यूपी में राहुल की यात्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी होकर गुजरेगी। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद राहुल गोदौलिया में वाहन से ही जनता को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार के रास्ते यूपी में प्रवेश को लेकर कांग्रेसी तैयारी में जुट गए हैं। जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद कांग्रेस ने यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं लाने का फैसला किया था। हालांकि इसकी आधिकारिक वजह बोर्ड परीक्षाओं को बताया गया था, लेकिन अब नई रणनीति के तहत कांग्रेस ने एक बार फिर तय किया है कि राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी यूपी से गुजरेगी। हालांकि रूट में बदलाव का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है।